वेलकम टू यूनिलेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। जैसे कि हम जानते ही हैं कि हर एक बिजनेस को सिस्टेमेटिक वे में चलाने के लिए अलग अलग कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ऐसे ही ब्रिकलिन बिजनेस को न्यू टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के साथ जोड़ने के लिए यूनिलेड का बहुत अहम रोल है, जिसमें यूनिलेड के अलावा इंडिया के हर एक स्टेट और अदर कंट्री के भट्टा ऑनर्स, अकाउंटेंट, सीए एंड अदर कंसर्न का भी बहुत अहम रोल है, जिसके कारण ई ब्रिकलिन भट्टे के बिजनेस के लिए बेस्ट एंड परफेक्ट सॉफ्टवेयर है, जिसमें हर एक मालिक अपने बिजनेस की अकाउंट्स अप टू बैलेंस शीट तक, पथेर, कच्ची भराई, जलाई, निकासी, सेल, स्टॉक की जानकारी कभी भी ले सकते हैं, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही होगी, जो कि दूसरे सॉफ्टवेयर में संभव नहीं है। इसी के साथ यूनिलीड ने भट्टा मालिकों के लिए ई ब्रिकलिन मोबाइल ऐप भी लॉन्च की है, जिसमें हर एक फीचर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अवेलेबल है, ताकि जो बिजनेस की अपडेटेड पोजीशन को जाना जा सके। अभी मैं आपके सामने ई ब्रिकलिन का डेमोस्ट्रेशन देने जा रहा हूं। जैसे कि आपके सामने लॉगिन विंडो अपीयर हो रही है, अगर आप एज ए एडमिन लॉगिन करते हैं तो आपको सभी राइट्स मिलेंगे, अगर आप यूजर करोगे तो जो भी एडमिन ने डिफाइन किए होंगे आपको राइट्स, वही आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आपके सामने यहाँ पे भट्टे का नाम आ जाएगा, तो जैसे ही आप लॉगिन करते हो डैशबोर्ड के ऊपर ही आपके पास कुछ एक रिमाइंडर्स होंगे, जैसे कि पेमेंट से रिलेटेड हैं और एक्सपायरी होगी आपकी, जैसे व्हीकल की एक्सपायरी है उनसे रिलेटेड रहेंगे, उनका टैक्स कब करना है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो यहीं पे आप मैनेज कर सकते हो उनको। उसके बाद सबसे पहले आपने मास्टर में जाके जितने भी हमारे अकाउंट से रिलेटेड हेड होते हैं वो क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो हमारे सप्लायर्स हैं, चाहे वो हमारे सेल्स पर्सन हैं, और इसके अलावा जितने भी हमारे ग्रुप्स के अंडर एजेंट्स हैं, लेबर्स हैं, कोई भी हमारा पथेर है, कच्ची भराई वाला है, यहाँ से मैनेज हो जाएगा, और उससे रिलेटेड उसको कितना पर थाउजेंड में पैसा देना है वो भी यहीं पे ही डिफाइन हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास मिट्टी एंड सैंड में जाके आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो कि आपके भट्टे के ऊपर कितना टोटल मिट्टी ट्रांजेक्शन हुई है और कितनी आपकी सैंड की हुई है, जिस जिस बंदों ने जो जो आपके पास काम कर रहे होंगे, किस लोकेशन से किस मालिक की गाड़ियाँ चल रही हैं उनसे रिलेटेड, वो जितना जितना भी राउंड लग रहे हैं उसका पूरा डिटेल आपके पास बन रहा है, जो कि आप यहाँ पे जाके मैनेज कर सकते हो कि किस डेट को किस लोकेशन से हमारा टोटल जो है वो कितना मिट्टी आया और कहाँ पे अनलोड हुआ है, ये सारी डिटेल आपके पास रहेगी गाड़ी वाइज। तो जिस मालिक की गाड़ियाँ चल रही हैं उसका खाता इमीडिएट आप देख सकते हो, पर ट्रांजैक्शन उसके खाते में जो है वो ट्रांजैक्शन होती जाएगी, चीमा अर्थ मूवर के खाते में जिस जिस दिन जैसे जैसे राउंड लगे हैं उसके अकॉर्डिंगली एंट्री क्रेडिट हुई है और जो जो उसको पेमेंट्स गई हैं, और आफ्टर दैट आपको एंड में नेट उसका पता चलेगा कि क्या इसका लेना है क्या देना है। तो इसी तरह पथेर के अकाउंट में जाके जो भी हमारी डेली की ट्रांजेक्शन रहती है भट्टे के ऊपर कि कितने किस पथेरे ने ईंटा बनाया है, कितनी टाइल बनाया है, जो भी उसका कंसर्न पथेरे का एजेंट रहेगा उसके खाते में ऑटोमेटिक ईंट जाता रहेगा और उसका कमीशन भी ऐसे ही ट्रांसफर होता रहेगा। और एट द एंड आप जान सकते हो कि एक आपके पथेर के ऊपर टोटल कितनी ईंटा बनी है पूरे सीजन में, पूरे कंप्लीट सीजन में आपने कितनी ईंटें बनाई है पर्टिकुलर पथेरे ने, वो सारा आप रिकॉर्ड यहाँ पे जाके देख सकते हो। एक पथेरे ने टोटल कितने ईंटा बनाया, कितना उसका पमाइश या खराबा हो गया, कितनी ढुआई हो गया उसका टोटल, उसके बाद उसका कितना पैसा बन गया जितना उसने काम किया है और कितना उसको पे हो गया। अगर इसकी डिटेल जानना चाहते हो उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे डेट वाइज उसका कंप्लीट डिटेल आ जाएगा आपके पास। इसी तरह कोई भी हमारे भट्टे के ऊपर पमाइश वगैरह हम करवाते हैं या वेस्टेज वगैरह डाल सकते हैं, यहाँ पे हमारी वो एंट्री यहाँ से की जा सकती है। कच्ची भराई में जाके आप पूरी भट्टे के ऊपर किस डेट को किस कैरियर ने किस लोकेशन से कितनी ईंटा उठाया है, कितना टायर उठाया है, क्या उसका अगर कार्ट वगैरह करते हो और नेट आपका अनलोड कहाँ पे हो रहा है, स्टॉक में हो रहा है या भट्टे में हो रहा है, स्टॉक आपका पूरा स्टॉक वाइज लोकेशन पे आपका पूरा स्टॉक पता चलेगा और भट्टे में कितना ईंटा भर गया है पर राउंड वाइज वो आपको डिफाइन यहाँ पर रहते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली किस पथेरे की ईंटा उठी है वो सारी डिटेल हम डाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली किस किस कैरियर ने ईंटा किस किस लोकेशन से उठाई है उसके खाते में अकॉर्डिंगली पैसा ट्रांसफर होता रहेगा, क्रेडिट होता रहेगा। तो सारी सारी की डिटेल आप यहां पे देख सकते हो कच्ची भराई की। किस कैरियर की अगर आपने डिटेल देखनी है, किस आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी कि इस कैरियर ने
कैरी कहाँ से की है, अनलोड कहाँ से की है, अगर स्टॉक में की है तो स्टॉक में आ जाएगा, राउंड में की है तो भट्ठे के अंदर की है, तो वो सारी डिटेल आ जाएगी। टोटल आपको पता चलेगा कि इसने विद कार्ड और विदाउट कार्ड इसने कितना ईंटा जो है वो कैरी किए हैं, और अकॉर्डिंगली इसके खाते में जो है पैसे उसके जो है ट्रांसफर होते जाएंगे। हरमेश कैरियर, जैसे जैसे उसने इंटा कैरी की है उसके खाते में उसके अकॉर्डिंगली खाते जो है क्रेडिट हुआ है। तो इसी तरह हम कोई भी एक जलाई हो रही है, कितनी हमारे भट्ठे के किस दिन कितने पावे जले हैं, क्या उसके लाइनें बर्न हुई हैं, कौन सा हमारा स्टॉक यूज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंगली ही आपका जो भी स्टॉक यूज हो रहा होगा उसका परसेंटेज आपको पता चलेगा कि इतना क्विंटल या इतना टन आपका कितना इंटा जो है जला है, वो पूरा पूरा आप देख सकते हो इसकी रिकॉर्ड में। तो इसी तरह आपका निकासी का पार्ट है, निकासी में आपको पता चलेगा किस दिन आपकी कौन सी आइटम निकली है, लाइन वाइज निकासी करते हो, चैम्बर वाइज करते हो, जहाँ आप चक्का वाइज निकासी करते हो, उसके अकॉर्डिंगली सारा मेंशन कर सकते हो, तो जिसके अकॉर्डिंगली ही आपका स्टॉक मेंटेन होता रहेगा। इसके बाद सेल का पार्ट है, जैसे ही हम सेल करते हैं तो यहीं पर डिफाइन हमारा हो जाता है कि किस दिन किस पार्टी को सेल हुई है, कैश की सेल है या उधार की सेल है, अकॉर्डिंगली किस विलेज में गई है, किस सिटी में गई है, क्या जीपी नंबर है, और अकॉर्डिंगली लोडिंग अनलोडिंग पर्सन उस पर कौन से बंदे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनके खाते में जो भी हमने पैसा डिफाइन किया होगा वो तो जाता रहेगा, कौन सा आपका व्हीकल जा रहा है, अपना व्हीकल जा रहा है या उनका सेल्फ है, वो सारी डिटेल्स के यहीं पर आप मैनेज करके आप सिंपल यहीं पर ही आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो अपने बिल का, जो कि आप क्लाइंट को भी दे सकते हो और अपने पास भी रिकॉर्ड के लिए रख सकते हो। तो इसी तरह आपकी कोई भी डिटेल है सेल से रिलेटेड वो सारी रिपोर्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, सेल से रिलेटेड सेल बुक्स है, कस्टमाइज सेल अगर आपने देखनी है कि किस दिन आपकी टोटल कितनी सेल हुई है, ये सारी आपकी सेल रिपोर्ट है, कौन कौन ट्रैक्टर किस किस रेट से गई है, किस विलेज में गई है, सारी डिटेल। अगर आप चाहते हो कि हमने व्हीकल वाइज रिकॉर्ड देखना है तो व्हीकल वाइज आप फिल्टर जितने भी फिल्टर आप अपने अकॉर्डिंगली जो है सभी रिपोर्ट देख सकते हो, ये सारी एक ट्रैक्टर की रिपोर्ट है। अगर डिटेल उसकी देखना है तो उस पर डबल क्लिक करोगे आगे उसकी एंट्री की डिटेल खुल जाएगी। तो इसी तरह परचेज की एंट्री है, कहीं पे भी आपका परचेज कोयला आता है या कोई और आइटम आती है आप यहाँ पे उसकी एंट्री कंप्लीट डाल के यहीं से ही मैनेज कर सकते हो दोनों पार्टी और अपना स्टॉक का मैनेजमेंट। इसके अलावा कोई भी आपके भट्ठे के ऊपर क्रेडिट एंट्री होती है, आपकी बाहर से मशीनरी को आती है, आपका कोई भी लेबर वाला आपके भट्ठे पे काम करता है, तो यहाँ पे आप व्हीकल किया तो व्हीकल सेलेक्ट कर रहे हैं, लेजर है तो लेजर सेलेक्ट करके उसके खाते में उतना पैसा जो है क्रेडिट कर सकते हैं। इसके अलावा SIR वाउचर में आप जो भी अगर आपका कोई सेल की एंट्री है, आपकी इशू की एंट्री है, अगर कोई भी आइटम आप इशू करते हो सेल करते हो भट्ठे के ऊपर, तो यहाँ पे एंट्री उसका क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा जितनी भी हमारी रिपोर्ट्स हैं रिपोर्ट सेक्शन में, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है भट्ठे के मालिक के लिए, टोटली डेली की पथेर वाइज डेली आपका आ जाएगा, ठेकेदार जमादार वाइज आपकी डेली आ जाएगी, ठेकेदार लेबर वर्क लेजर आ जाएगा आपके पास, कच्ची भराई की पूरी डिटेल्स, जलाई की डिटेल्स आपके पास, निकासी टोटल आइटम वाइज निकासी विद परसेंटेज आपके पास आ जाएगा, ये देखिए कि कितना कितना निकासी हुआ है और उसकी क्या परसेंटेज है आपको कंप्लीट पता चलेगा। तो अकॉर्डिंगली आपका जितना भी बाकी रिपोर्ट्स हैं सेल से रिलेटेड, निकासी से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, आपके पास क्या क्या आया है, कच्चा स्टॉक समरी देखना चाहते हो लोकेशन वाइज, तो आप देख सकते हो कि कितना आपका पर्टिकुलर स्टॉक अंदर कितना ईंटा गया है, कितना निकला, कितना वहां पे वेस्ट हो गया है, वो सारी यहीं पे आप मैनेज कर सकते हो। तो इसके अलावा आपके पास अदर पक्का स्टॉक जितना भी है आइटम वाइज पक्का स्टॉक समरी आपके पास आ जाएगी, कौन कौन सी आपके पास कितनी आइटम ओपनिंग थी, कितना टोटल निकासी हुआ, सेल कितना हुआ, उसमें से रोड़ा वेस्ट कितना हुआ, एडजस्टमेंट अगर किया वो आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आज के टाइम में क्या बोल रहा है उसका, इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे आगे उसकी पूरी डिटेल बाइफरकेट हो जाएगी। तो इसी तरह आपके पास जमादारी लिस्ट वाइज आ जाएगा, व्हीकल की कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगी, जो जो उसने एवरेज किया उसका क्या निकल रहा है, अगर आप हम उसको इशू भी कर रहे हैं डीजल वगैरह या और कोई आइटम इशू कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपको वो कंप्लीट पता चलता जाएगा। इसके अलावा एडमिन सेटअप में जाके आप कोई भी बैकअप रिस्टोर कर सकते हो, यूजर मैनेज कर सकते हो, अप्लाई न्यू रेट कर सकते हो, अगर इन बिटवीन आपके रेट वेरी करते हैं या आपके रेट अप्लाई करते हो सीजन के बाद, वो इमीडिएट उस डेट से इफेक्ट कर जाएंगे, कोई भी आपने फिनिश स्टॉक की एडजस्टमेंट करनी है वो यहाँ से कर सकते हो। इसी तरह मास्टर में जाके अगर आपने फाइनेंशियल ईयर क्लोज करना है वो सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज कर सकते हो, सेट वर्किंग डेट, चेंज पाथ, यूजर, सेट सेलेक्ट कंपनी,
तो इसी तरह आपको पता ही है कि इतने शॉर्ट टाइम में आपको बहुत ज्यादा फीचर डिफाइन नहीं किए जा सकते। इसलिए अगर आपका वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट या क्वेरी है, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर क्वेरी भेज सकते हो या कॉल कर सकते हो। अगर आप अभी या आने वाले टाइम में अपने बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो तो ई ब्रिकलिन को जरूर कंसिडर करें, और दूसरों से हम कैसे डिफरेंट हैं ये जानने के लिए कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।